से उठा तो तिरंगे में लपट के अंदर ला गए। 15 मिनट के टाइम में कलेक्टर साहब आवाज पहुंच रहा जा रहा दफ्तर तक। हेलो, ऐसे ही ऐसी दफ्तर में बैठ के प्रधानमंत्री जी ने सिंह के
जमाना है, लेकिन गांधी जी को भी नहीं बोलो। राष्ट्रपिता गांधी जी हमारी हमारा आदर्श है, इसीलिए अभी तक हम जहाँ से पैदल मार्च करा था हमने जुजलू रेलवे स्टेशन के फाटक से, वहां तक अभी तक कोई भी इंसान नहीं भड़की है। लेकिन अभी हमारी बात समय से नहीं सुनी गई, कलेक्टर साहब अगर 15 मिनट में बाहर आके हमारी बात नहीं सुनते हैं तो भगत सिंह के दीवाने भगत सिंह की लाश बदल देंगे। राजपूत रेजिमेंट हो या जाट रेजिमेंट हो, राजपूत राइफल हो या गोरखा राइफल, गोरखा रेजिमेंट हो या मराठा रेजिमेंट, इन सबका आपस में इन सबका बहुत बढ़िया शानदार गौरवशाली इतिहास रहा है। जो भी जवान आज उन रेजिमेंट्स में भर्ती है उन्हें ये पता है कि हमारी रेजिमेंट का जवान और हमारी रेजिमेंट का इतिहास गौरवशाली रहा है। 25% आप लेंगे वो आरएसएस की मानसिकता के होंगे या बीजेपी की मानसिकता के, मोदी मानसिकता के होंगे अमित शाह मानसिकता, ये भी बता दीजिए। आरएसएस की बहुत ज्यादा भर्ती होंगी, मोदी जी जो रूस में जाते हैं चीन में जाते हैं उन सब देशों में डिक्टेटरशिप है, उसे तानाशाही कहते हैं। उनकी सेना में उनकी मानसिकता के लोग है और इन 25% में क्या मापदंड है 25% का? 100% युवा अगर इकट्ठा होंगे भर्ती में जाएंगे, समय के अनुसार जो आएगा वो तैयारी करेगा 6 महीनों में, 25% प्राइवेट रखे जाए, क्या मापदंड है इनके 25% के? आरएसएस के मापदंड है बीजेपी के, ये भी बता दीजिए। अंत में मैं मेरे दोस्तों में तय बोलना चाहूंगा, आप आए टेंट पर बैठ पर गुनाए थे, आप तो गेट पे बैठांगा मजदूर, तो आप अभी रेलवे स्टेशन के नीचे आ जाऊंगा, बाहर रोकने तो रोक लीजिए। डिप्टी साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जितने भी सिपाही है यहाँ पर ये सभी तनखा के ऊपर है। जीवन गुडा जीवन गुडा इंकलाब इंकलाब तनखा के ऊपर काम करने वाले सैनिक हमारे इन आजाद भाइयों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ कलेक्टर साहब को, अगर ये सैनिक हमारे लड़कों के बराबर में पुशअप भी निकाल दे तो हम मान जाएंगे, तो मेरा नाम बदल लेना, 10% बराबर में निकाल देते हैं। राजेंद्र गुड्डा की जय मत बोलो, आज आप भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय। कलेक्टर साहब के माध्यम से झुंझुनू नहीं पूरी दिल्ली तक, इस गुमकी मेरी सरकार तक हमारी आवाज पहुंच जानी चाहिए। इस झुंझुनू की धरती पर आज एक यूथ इकट्ठा हुआ है, हम सारे सैनिक है जो मन में रखते थे कि हम सेना में जाएंगे, देश की रखवाली करेंगे, देश की सेवा करेंगे, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो कलेक्टर साहब को भी बाहर आना पड़ेगा, हमारी बात भी सुननी पड़ेगी, उन्हें ऐसी ऑफिसों में बैठ कर उनसे पंचायती करना कोई गंजाया गया तो दो सारा जाओगा और अब भी गेट को जाकर बैठा जाए। मोदी तेरी तानाशाही शाही Hey!
युवाओं ने हम फाटक से चले थे, अभी तक कोई हिंसा नहीं भड़की है। अब मुझे मजबूर मत करो भगत सिंह के द्वारा। नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, आपका गुस्सा जायज है, आपकी बात जायज है, आपकी बात सुनी जा रही है, आप संयम पे है, आपकी बात सुनी जा रही है। हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके सब माइक में बोल लो। Yeah.
कांग्रेस पार्टी राजस्थान सरकार मान रही है युवाओं के साथ हमारे सरकार के प्रतिनिधि साहब कोई छोटे अधिकारी नहीं होते। आप मेरा बात सुने, एसडीएम साहब आपके साथ, एसडीएम साहब हमारे बीच में आए हैं और जब एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेटर ने एक उपखंड के वो भी एज ए कलेक्टर होते तो एज ए कलेक्टर हमारे बीच में एसडीएम साहब खड़े हैं। आप ये इनका ज्ञापन यहाँ देने की बजाय एसडीएम साहब के साथ आपका प्रतिनिधिमंडल जिसमें आप 10 की बजाय 20 नौजवान साथ जाके अंदर साहब कलेक्टर साहब से अपनी वार्ता करके आके और ज्ञापन दे के आ सकते हम अंदर जाएंगे और सारा टापर 20-20 किलोमीटर दौड़ बढ़ है दिन का आखिरी स्टेप ना और थर्ड स्टेप ना दिन आसमान को रोकता थक जाओगे लेकिन शाम तक कुश्ती है चाहती रहेगी। 2020 गरबा का मूड में है सारा। 15 मिनट के टाइम में कलेक्टर साहब आवाज पहुंच रहे जा रहे तब तक ऐसे ही ऐसी दफ्तर में बैठ के प्रधानमंत्री जी ने ये काले कानून ये काली अग्निपथ स्कीम लागू करी है। आपको ग्राउंड की हकीकत नहीं पता इसी वजह से आप ऐसी स्कीमें लागू कर देते हैं। अरे किसान एक साल तक बैठे रहे तो वापस माफी मांग के वापस ये कानून तीनों किसान कानून वापस लेने पड़ेंगे। आज ये युवा यहाँ बैठेगा तो बीजेपी सरकार को मोदी सरकार को केंद्र में ये कानून भी वापस लेने पड़ेंगे। आप अगर 15 मिनट में Thank you.
परिणाम दिया हमने, अब भगत सिंह की सोच का भी परिणाम मिल इंकलाब मोदी सरकार हो
कौन छोड़ो जो लड़के